वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद ज्योति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो अब का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, और इवनिंग में बना रही हूँ मैं खाना खाने में, क्योंकि आज जल्दी खाना बनाना है। और जल्दी खाना बना के फिर मुझे थोड़ा काम है, मुझे सामान देने जाना है ग्रॉसरी का, तो वहाँ जाने के लिए मैं जल्दी जल्दी खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी की सब्जी, ये कैरेट, अनियन और टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन और ये पनीर। और इसके बाद मैं बना रही हूँ लौकी की खीर, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लौकी को मैंने इसमें क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी हुई है। तो चलिए फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं, और कैसे बना रही हूँ मैं, कैसे क्या कर रही हूँ सब आप लोग को बताऊँगी। तो गैस ऑन कर दिया है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो चलिए गाइस खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसके बाद से मैं यहाँ पे ले रही हूँ घी, देसी घी मैंने घर में बनाया हुआ है, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ अपने चैनल पे शेयर की हुई है, अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाके देखिए। और यहाँ मैंने डाल दिया है तेल, और इसमें डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा सा हींग। और आप सोच रहे होंगे मेरे पास हींग की कोई डब्बी नहीं है, यही प्लास्टिक में था, तो इस वजह से इसे ही मैंने इसी में ही रखे रहने दिया, मसाले वाले डब्बे में इसको रख देती हूँ। तो जब मेरे यहाँ पे जीरा तड़क जाता है तो इसमें पहले मैं ऑनियन डालूँगी, ऑनियन डाल के इसको थोड़ा सा, जब ये थोड़ा सा मोशी हो जाएगा उसके बाद में मैं इसको अच्छे से थोड़ा हल्का ब्राउनिश कलर आ जाएगा तब मैं इसमें टमाटर और ये सारी चीज़ें डालूँगी। आप लोग पनीर भुर्जी कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो घी मैंने उसके लिए गर्म किया था, खीर के लिए, लौकी की खीर के लिए। तो यहाँ मैं अच्छे से लौकी डाल के उसको अच्छे से घी में कोट करके और उसको ढक दूंगी पकने के लिए। और इधर मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन और टमाटर का जो मैंने क्रश करके रखा था वो डाल दिया है, आप देख सकते हैं। उसको अच्छे से मुझे चलाना है जब तक ये कि बिल्कुल है ना मैश ना हो जाए आपस में, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद इधर मैं लौकी को भी अच्छे से चलाती रहूँगी, एंड देन इसको ढक दूँगी ताकि ये पक जाए अच्छे से। इसके बाद यहाँ मैं सॉल्ट डाल दूँगी, सॉल्ट मैंने इसलिए डाला है ताकि सॉल्ट डालने के बाद में जो भी लहसुन प्याज टमाटर होता है ये गल जाते हैं, गलने के बाद में मतलब ये जो हमारी सब्जी होती है उसमें खाने में नहीं आते हैं। सो इसलिए ये इंडियन कुजीन है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे बनाया है। और यहाँ पे मैंने हल्दी नमक थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल के और इसको अच्छे से मैंने भून दिया है। इसके बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कैरेट, कैरेट को मैंने बहुत बारीक बारीक चॉपर से काट लिया है। इसके बाद मैंने फ्रोज़न मटर थोड़े से ऐड कर दिए हैं कलरफुल बनाने के लिए, बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। सो ये आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से मैं चलाऊँगी, एंड इसके बाद मैं डाल दूँगी पनीर, इसको भी मैंने अच्छे से उसमें चॉपर में चॉप कर लिया था, एंड इसको अच्छे से मतलब मसालों में कोट करने के बाद में थोड़ी देर में ढक के छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे अच्छे से आपको कोट करना है ताकि जो पनीर है उसमें भी जो भी आपका मसाला है वो चला जाए, और अच्छे से आप जो रियल टेस्ट है पनीर का वो आ जाए। तो यहाँ पे हम खीर की तरफ बढ़ते हैं, और सो सॉरी गाइस ये क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मैंने इसमें दूध डाला जब तो ये क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मुझे लगा मैंने कैमरा ऑन कर दिया है बट कैमरा ऑन नहीं था। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया, अच्छे से भून जाने के बाद में लौकी जब आपकी हल्की सी ब्राउन होने लग जाए, मतलब ब्राउन मत इट मीन्स कि मैरून कलर में होने लग जाए, तब आपको दूध ऐड कर देना है, उसके बाद इसको चलाना है। तो यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ, और ड्राई फ्रूट निकालने के बाद में इसको मैं चॉपर को अच्छे से धो के उसके बाद सुखा के उसके बाद मैंने इसको सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप किया है। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं काजू, बादाम और थोड़े से मखाने, इलायची, किशमिश, ये सब लेके मैंने इसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा ना दूध हमारा, पकता जाएगा, तो इसमें ना थोड़ा सा हल्का मैरून कलर आने लग जाता है, बहुत ही मतलब खोआ बोलते हैं ना जिसको, वैसा कलर आने लग जाता है। सो यहाँ पे देखिए हमारा दूध पक रहा है, उसको चलाते भी रहना ताकि नीचे से पकड़े ना, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरी सब्जी हो चुकी है रेडी, और इसको मैं अच्छे से चला दूँगी और इसको थोड़ी देर और पकने दूँगी। रेडी हो चुकी है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और पक जाए, क्योंकि ये देखिए कितनी सुंदर सा कलर आया है, और ये मेरी खीर भी हो रही है। सो अगर आप लोग ये वाली रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइएगा कि कैसी बनी थी। और ये मेरी लौकी की खीर है जो हो रही है, और ये मेरी पनीर भुर्जी है, तो ये हो चुकी है डन 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 डन।
तो अब मैं इसको अलग बाउल में निकाल दूँगी। अब मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी सबसे लास्ट में इसलिए लौकी की खीर में डाला जाता है क्योंकि अगर आप गर्म में चीनी डाल देंगे तो आपका दूध फट सकता है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल हल्की आँच पर बनाया है और इसको धीरे धीरे पकाया है। इस वजह से इसका टेस्ट जो एकदम रबड़ी जैसा आता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। सो अभी मैं आपको इसको फुल व्यू दिखाऊँ, फुल रिव्यू मतलब सामने से लुक दिखाऊँगी आपको। और यहाँ मैंने डाल दी थोड़ी सी इलायची अच्छी खुशबू के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर आया हुआ है हमारे जो खीर है उसका, और बिल्कुल रबड़ी जैसी लग रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियों की तैयारी करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। और रोटियाँ बनाने के बाद में मैं उसके बाद जस्ट बारिश आ गई और आप लोग को आवाज़ सुन सकते हैं कितनी तेज़ तूफान आया हुआ था, पूरे घर में पानी पानी कर दिया था इस तूफान ने। आप लोग को बता नहीं सकती हूँ कि मतलब इधर से भी पानी आ रहा था, उधर से भी पानी आ रहा था, मतलब पूछिए ही मत। और आज भी ऐसा ही हाल था, सुबह सुबह 11:30 बजे से पानी शुरू हुआ, तो अभी तक अब थोड़ा कम हुआ है, उसके बाद में फिर से स्टार्ट होने वाला मौसम बन चुका है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। तो गाइस बारिश आने के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि सब दूर से पानी आ रहा था, मतलब हॉल के गेट से भी पानी आ रहा था, बेडरूम से भी पानी आ रहा था, और उसके बाद से पूजा वाले रूम में से भी पानी आ रहा था। तो वो सब निकालने में समेटने में मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि कोई शूट करने वाला था ही नहीं, और सब दूर से आंधी तूफान आप लोगों ने देखा कितनी तेज़ आ रहा था। और ये व्लॉग कल मैंने शूट किया था और फिर अभी आज भी यही हुआ कि सुबह जैसे ही मैं काम करके फ्री हुई, मतलब सारा काम हो गया था, सब कुछ हो गया था, और इतनी तेज़ बारिश हुई है, मतलब मैं बता नहीं सकती, पूरे घर का मतलब कोना कोना गीला हो चुका था। और मैं आपको दिखाऊंगी कितने मतलब कितना ज़्यादा मतलब गीला हुआ है घर, और बाहर पूरी हरियाली है थोड़ी बहुत, लेकिन पता नहीं चला अभी वापस से मौसम ऐसा बना हुआ है। तो देखो मैं आप लोग को बैक कैमरे से आप लोग को दिखाती हूँ कितना पानी गिरा हुआ है बगल वाली छत में। और मैं यहाँ का हाल को दिखाती हूँ, अभी सूखा भी नहीं है और ये सारे कपड़े मेरे धुल के टंगे हुए हैं, अभी फिलहाल सूखे ही नहीं हैं, और अभी भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है, फिर से बादल लग रहे हैं। और इसके बाद से पूरे खिड़की वगैरह सब गीले हो गए हैं, मतलब सब कुछ पर्दा वर्दा सब, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने धूप में सुखाया और सारे पर्दे उखड़ गए मेरे। सो मैं बता नहीं सकती कि बारिश के कारण, क्योंकि मेरा घर सबसे टॉप फ्लोर पे है और पानी आता है ना, तो अगर इधर का पानी रहेगा तो भी घर में आएगा, उधर का पानी रहेगा तो भी घर में आएगा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा बहुत छोटा सा ये वाला व्लॉग बना। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब मैं 3-4 वीडियो मैंने प्लान करके रखे हैं, शूट करके रखे हैं, बट एडिट करना अभी बाकी है क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। कल मुझे हल्का फीवर हो गया था, पता नहीं कैसे क्या, सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी है मेरे, तो देखते हैं डॉक्टर को थोड़ा ये ठीक हो जाए, इनको टाइम मिल जाए तो फिर मैं चेकअप करवाती हूँ, बाकी तो सब ठीक ही है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सा अच्छा वाला देखना चाहते हैं, मेकअप लुक देखना चाहते हैं, हॉल वीडियो देखना चाहते हैं, या व्लॉग देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।